औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया मंदिर। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये दावा करने वाले हिंदू पक्ष को मजबूती देने के लिए एएसआई की रिपोर्ट का समर्थन भी मिल गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को दी गई। एएसआई ने 84 दिनों की स्टडी के बाद रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट तैयार करने में एएसआई को 36 दिन का समय लगा। पूरी रिपोर्ट 839 पेज में दर्ज है। एएसआई की रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू पक्षकारों ने उन फैक्ट्स को सार्वजनिक किया जो बताते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष ने दावा किया कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथ भाषाओं में लेखनी मिली है। दीवारों पर शिव के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर भी लिखा है। एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के सारे पिलर पहले मंदिर के थे। मस्जिद की पश्चिमी दीवार भी इस बात की गवाही देती है कि पहले यहाँ मंदिर था। हिंदू पक्ष का दावा है कि एक दो नहीं बल्कि 350 से ज्यादा सबूत एएसआई की रिपोर्ट में दर्ज है जो बताते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो इसमें खंभे लगे हुए हैं वो खंभे हिंदू मंदिर के थे और उसी को रीयूज किया गया। माइन्यूट स्टेप नहीं, ये खंबे की बात हो रही है। पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो मंदिर की थी पश्चिमी दीवार की फाइंडिंग खत्म हो गई है। अब जो नेक्स्ट फाइंडिंग है खंबे की फाइंडिंग है। उस खंबे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ और दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। द पिलर्स एंड पिलास्टर्स यूज इन दी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली फॉर दी एनलार्जमेंट ऑफ दी मॉस्क एंड कंस्ट्रक्टिंग सहन। Parts of pre-existing temple, including pillars and pilasters, were reused with little modification. मतलब जो हिंदू मंदिर के खंबे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। माइन्यूट स्टडी ऑफ पिलर्स एंड पिलास्टर्स इन कॉरिडोर सजेस्ट दैट देवर ओरिजिनली पार्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल फॉर देयर रीयूज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर व्याला फिगर्स कार्व्ड ऑन ईदर साइड ऑफ लोटस मेडेलियन वर म्यूटिलेटेड एंड आफ्टर रिमूविंग द स्टोन मास फ्रॉम द कॉर्नर्स दैट स्पेस वॉज डेकोरेटेड विद फ्लोरल डिजाइन। दिस ऑब्जर्वेशन इज सपोर्टेड बाई 2 सिमिलर प्लास्टर्स स्टिल एग्जिस्टिंग ऑन द नॉर्थ एंड सदर्न वॉल ऑफ द वेस्टर्न चेम्बर इन देयर ओरिजिनल प्लेस। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि उन पिलर्स में जो क्राविंग्स थी उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है और उसी को एक हिंदू मंदिर के जो खंभे थे उसको दोबारा रीयूज किया गया। एएसआई की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पहले नागर शैली में बना मंदिर था। सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में 1000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद का गुंबद महज 350 साल पुराना है। परिसर में हनुमान और गणेश की खंडित मूर्तियाँ मिली है। दीवार पर त्रिशूल की आकृति मौजूद है। तहखाना S2 में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इतना ही नहीं, एएसआई की रिपोर्ट में ये भी दर्ज किया गया है कि 17वीं शताब्दी तक यहां मंदिर था और बाद में औरंगजेब के आदेश पर इसे तोड़ा गया। एएसआई की सर्वे में वो शिलालेख भी मिला जिसमें औरंगजेब का आदेश दर्ज है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की मदद से तैयार की गई एएसआई की पूरी रिपोर्ट 3 हिस्सों में है। रिपोर्ट के पहले हिस्से में ऊपरी हिस्सों में दिखने वाली आकृतियों की जानकारी है। रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में जमीन के अंदर की GPR सर्वे की डिटेल को शामिल किया है। रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में वीडियो फोटोग्राफी को स्थान के साथ मार्क किया है। एएसआई की रिपोर्ट और हिंदू पक्ष के दावे ने सियासी सरगर्मी भी बढ़ा दी। ओवैसी ने ट्वीट कर रिपोर्ट को खारिज करते हुए उसे अवैज्ञानिक और एएसआई को हिंदुत्व की कठपुतली करार दिया। वहीं गिरिराज सिंह ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अब मुसलमानों को मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। हिंदू पक्ष के दावों के बीच मुस्लिम पक्ष अभी मौन है। फिलहाल इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।